हे गाइस, वेलकम बैक। सो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है मार्केट में जब से ये न्यूज़ बाहर आई है कि सैक ने केस कर दिया है बाइनेंस पे, और बाइनेंस पे नहीं, सिर्फ सीजे बाइनेंस को भी उसमें ट्रैक किया है और 13 चार्ज लगाए हैं उन पे, जिसको उसने डिटेल में पब्लिश किया है। 136 पेज की एक रिपोर्ट है जिसमें उसने एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है किस किस बेसिस पे उसने ये चार्जेस लगाए हैं। नॉट ओनली बाइनेंस, उसने अदर कॉइन्स को भी उसमें ट्रैक किया है, लाइक बीएनबी, बीयूएसडी के अलावा देयर सो मेनी अदर कॉइन्स जिनको उसमें मेंशन किया है एंड डीम्ड टू बी सिक्योरिटी, यानी पोटेंशियली सिक्योरिटी के तौर पर उनको वहां पे रिप्रेजेंट किया है एंड एक सर्टेन नेचर शो किया है, एक पैटर्न शो किया है जिसके बेसिस पे उसने उसको सिक्योरिटी डिक्लेयर किया है। तो सारी जो रिपोर्ट है उसको डिटेल में देखते हैं, पूरी 136 पेज की रिपोर्ट का पहले तो क्या क्या हाईलाइट है उसको देखते हैं, एंड मेन सिचुएशन क्या है, कितने लेवल तक ये इंटेंस हो सकती है, व्हाट कुड बी द पोटेंशियल इम्पैक्ट, वो भी थोड़ा सा हम एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं। मार्केट में अगर देखो तो काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से नेगेटिविटी डेफिनेटली है। बिटकॉइन भी काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, इथेरियम की बात करो तो वो भी काफ़ी ज़्यादा करेक्टेड है, बीएनबी भी एक शार्प करेक्शन ले चुका है, एंड इवन अगर देखोगे रिलेटिवली अगर बीएनबी, इथेरियम और बिटकॉइन में, तो बीएनबी में ज़्यादा करेक्शन आया है बिकॉज देर इज अ डायरेक्ट रेफरेंस टू दैट बीएनबी और बीयूएसडी के लिए। अदर देन दैट अदर बहुत सारे कॉइन है जिनमें हमें करेक्शन तो दिख ही रहा है, मोस्टली सारी मार्केट निगेटिव में है, लेकिन जिन जिनका नाम मेंशन है उनमें ज़्यादा निगेटिविटी है। बिफोर वी गो फर्दर, एक कंक्लूजन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद हम इसमें डिटेल में जाएंगे, ठीक है। ये जितनी भी बात हो रही है वो हो रही है बाइनेंस के यूएस प्लेटफॉर्म के लिए, वहां पे जो भी मिसकंडक्ट हुआ है, आइदर हुआ है या नहीं हुआ ये तो बाद में ही क्लियर होगा, लेकिन ये सिर्फ उसके लिए बात हो रही है। और अगर बाइनेंस को देखा जाए ओवरऑल, जैसे बाइनेंस पर अभी अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम देखोगे तो आ रही है 11.7 मिलियन की, सॉरी बिलियन, 11.7 बिलियन डॉलर की यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम आ रही है बाइनेंस के ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, और अगर उसके यूएस प्लेटफॉर्म पे देखो तो 228.9 मिलियन डॉलर की, विच इज रफली 2% ऑफ द टोटल वॉल्यूम जो बाइनेंस के ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आती है। सो हम बेसिकली बात कर रहे हैं उसके 2% प्रपोर्शन की, जहाँ पे मेनली ये सारा मिसकंडक्ट बताया गया कि हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है उसको उसने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इवन वर्स्ट केस अराइजेस, सबसे वर्स्ट केस आता है कि मान लो बाइनेंस का अपना यूएस प्लेटफॉर्म बंद भी करना पड़े, इन केस आई एम जस्ट गोइंग फॉर द वाइल्ड गेस, तब भी आप ऐसा समझ लो क्रिप्टो करेंसी सर्वाइव करेगी, क्रिप्टो करेंसी को कुछ नहीं होने वाला, एंड ग्लोबल प्लेटफॉर्म टोटली उससे अलग है और बाइनेंस का यूएस प्लेटफॉर्म वो टोटली अलग है, ठीक है ना। ऐसा बाइनेंस कहता है, लेकिन उसने अलेजेड किया, मतलब यानी उस पर आरोप लगाए कि बहुत ज्यादा उसको भी कंट्रोल इन्होंने किया है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेते हैं, ठीक है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन की वेबसाइट पे, यूएस की जो है उस पर आप देखोगे तो एक प्रेस रिलीज है जिसमें उसने एक शॉर्ट समरी दी है इसकी। आप अगर पूरी रिपोर्ट ना पढ़ सको, अगर आपको पूरी रिपोर्ट पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो आप इस शॉर्ट समरी को पढ़ लोगे तो यहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली इन्होंने क्या क्या चार्जेस लगाए। सो यहाँ पे इन्होंने मैंशन किया कि सैक ने 13 चार्जेस लगाए बाइनेंस के अगेंस्ट एंड उसके फाउंडर चांग जेंग जाओ, चांग पेंग जाओ, बेसिकली हम शॉर्ट में बोलते सीजे बाइनेंस, उसके अगेंस्ट में ये 13 चार्जेज है। 13 चार्जेज कौन से उसको हम एक एक करके भी देखेंगे। अगर आपको इसकी डिटेल रिपोर्ट पढ़नी तो यहीं पे आप बगल में एक सेक्शन दिख जाएगा सेक कंप्लेंट, यहाँ से आप वो डिटेल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो 136 पेज की और उसको पढ़ सकते हो। इवन इसमें जब आप समरी पढ़ोगे तो यहाँ पे जो एंटिटीज हैं जो बाइनेंस यूएस प्लेटफॉर्म को कंट्रोल कर रही है, विच इज लाइक बैम मैनेजमेंट यूएस होल्डिंग्स, उसको भी यहाँ पे हाईलाइट किया है। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज आपको ये दिखेगी, देयर इज अ पर्सन नेम गुरबीर सिंह ग्रेवाल जो डायरेक्टर है सेक के डिवीजन ऑफ इन्फोर्समेंट के, उन्होंने बेसिकली बीच में उनके कई स्टेटमेंट भी इसमें हाईलाइट किए गए। सो अनदर इंडियन वी आर सीइंग इन दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट ऑल्सो। एंड इसके बाद यहाँ पे शॉर्ट में दिया गया कि क्या क्या बेसिकली कंप्लेंट्स हैं, और रिपोर्ट में अगर देखोगे तो वहां पे डिटेल में मेंशन किया है क्या क्या कंप्लेंट्स हैं। सो पहला क्लेम क्या किया हम, ये अगर रिपोर्ट आप देखोगे उसमें 514वें सेक्शन से लेके जो स्टार्ट किया है पॉइंट वाइज वो मेंशन किया है जो क्लेम है, यानी 125वें पेज पे जाके लास्ट में कंक्लूड करके क्लेम दिए। पहले हम क्लेम देख लेते हैं फिर शुरू से रिपोर्ट को देखते हैं कि रिपोर्ट में मेनली क्या क्या हाईलाइट किया है इन्होंने, ठीक है। फर्स्ट क्लेम क्या किया इन्होंने कि बाइनेंस जो अनरजिस्टर्ड ऑफर किया था, यानी बीएनबी का एक्चुअली आईसीओ हुआ था इनिशियली, तो वो एक अनरजिस्टर्ड ऑफर था, यानी एक सिक्योरिटी की तरह उसको ऑफर किया गया था। जिनका भी आईसीओ होता है और जिसमें भी यूएस कस्टमर्स ने अगर पार्टिसिपेट किया है तो सैक उसको एक्चुअली सिक्योरिटी डिक्लेयर करता है। दैट्स द सेम थिंग हैपनिंग विद द रिपल ऑल्सो। हालांकि रिपल का केस काफी मजबूत दिख रहा है सैक के कंपेरिजन में हाल फिलहाल में अगर देखोगे, बट जब तक एकदम कंप्लीट आउटकम नहीं आ जाएगा, कंक्लूजन नहीं आ जाएगा,
तब तक हम कुछ अभी नहीं कह सकते उसके बारे में। दूसरा जो क्लेम किया है, क्या आरोप लगाया है, वो है अगेंस्ट बाइनेंस फॉर द अनरजिस्टर्ड ऑफर्स एंड सेल्स ऑफ बीयूएसडी। मतलब जो बीयूएसडी को लेकर शुरू में जब आया था तो ऑफर्स दिए गए थे और जो बीयूएसडी को सेल किया गया था उसको लेकर आरोप लगाया है, ठीक है। तीसरा जो आरोप है दैट इज अनरजिस्टर्ड ऑफर एंड सेल ऑफ सिंपल अर्न एंड बीएनबी वोल्ट, जो बीएनबी वोल्ट अवेलेबल करा रखे हैं जहां से आप जो आप मतलब अगर सर्टेन अमाउंट में अपने बीएनबी लॉक करते हो दे विल अर्न सर्टेन रिवॉर्ड्स, उसको लेके बेसिकली जो अर्न फीचर होता है इसके लिए इसने कॉइन कॉइन बेस को भी टारगेट किया था एंड इवन सेवरल अदर एक्सचेंजेस को, इवन क्यू कॉइन को भी जब इसने टारगेट किया है जो अभी उस पर भी लॉ सूट चल ही रहा है उसमें भी इसके उसके अर्न फीचर को मेंशन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट थिंग बेम ट्रेडिंग फॉर द अनरजिस्टर्ड ऑफर्स एंड सेल ऑफ इट्स स्टेकिंग प्रोग्राम, ये भी उसने हाईलाइट किया उसमें। नेक्स्ट अगर पांचवा क्लेम देखो क्या है, रजिस्टर एज एन मतलब फेलिंग टू रजिस्टर एज एन एक्सचेंज फॉर द बाइनेंस डॉट कॉम प्लेटफॉर्म, बाइनेंस डॉट कॉम को एज एन एक्सचेंज रजिस्टर नहीं किया है, ये उसने फिफ्थ क्लेम किया है। लेकिन बाइनेंस का जो यूएस प्लेटफॉर्म है वो वैसे रजिस्टर होना चाहिए रादर देन बाइनेंस डॉट कॉम जो मेन एंटिटी है, लेकिन एलिगेशन कुछ इस तरीके से है कि बाइनेंस डॉट कॉम का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है और इवन बैकडोर से एंट्री अलाउ की गई है कुछ रिच यूएस कस्टमर्स के लिए बाइनेंस के ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, इस वजह से उन्होंने इसको भी टारगेट किया, ठीक है। नेक्स्ट थिंग उन्होंने बोला है फेलिंग टू रजिस्टर एज ए ब्रोकर डीलर फॉर द बाइनेंस डॉट कॉम प्लेटफॉर्म। अब ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा ब्रोकर डीलर का क्या सिस्टम है, ये अभी मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा इसी के पीडीएफ से, तो वहां से आपको फर्दर क्लैरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट थिंग फेलिंग टू रजिस्टर एज ए क्लियरिंग एजेंसी फॉर द बाइनेंस डॉट कॉम प्लेटफॉर्म एंड अनदर वन अगर आप देखोगे बेम ट्रेडिंग फॉर फेलियर टू रजिस्टर एज एन एक्सचेंज फॉर द बाइनेंस डॉट यूएस प्लेटफॉर्म। उसके बाद अगला जो चार्ज लगाया है फेलिंग टू रजिस्टर एज ब्रोकर फॉर द बाइनेंस डॉट यूएस प्लेटफॉर्म एंड नेक्स्ट चार्ज अगर आप देखोगे बेम ट्रेडिंग फेलिंग टू रजिस्टर एज ए क्लियरिंग एजेंसी फॉर द बाइनेंस डॉट यूएस प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट थिंग 11th जो चार्ज है दैट इज अगेंस्ट जाओ एज कंट्रोल पर्सन ओवर बाइनेंस फॉर द बाइनेंस डॉट कॉम प्लेटफॉर्म एंड नेक्स्ट वन इज अगेंस्ट जाओ एज कंट्रोल पर्सन ओवर बाइनेंस एंड बेम ट्रेडिंग फॉर द बाइनेंस डॉट यूएस प्लेटफॉर्म वायलेशंस एंड उसका लास्ट चार्ज जो लगाया है दैट इज अगेंस्ट बेम मैनेजमेंट एंड बेम ट्रेडिंग, क्योंकि उन्होंने बोला है कि इन्होंने मतलब अनऑथराइज तरीकों से ट्रेडिंग भी की है और फ्रॉड भी किया है काइंड ऑफ दैट जो मतलब उन्होंने आरोपों में लगाया। अब इसमें आपको कई सारी चीजें ऐसी दिख रही होगी कि जैसे ब्रोकर की तरह रजिस्टर नहीं किया, एज एन एक्सचेंज रजिस्टर नहीं किया, बेम ट्रेडिंग का बार बार नाम आ रहा है, बेम मैनेजमेंट का बार बार नाम आ रहा है, तो ये आपको अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा होगा कि ये क्या सीन है इसका। ये चार्ट जो उन्होंने डिपिक्ट किया है यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली ये सारा सीन क्या है, ठीक है। उसने मतलब जो रिपोर्ट में बोला है ये आपको मिलेगा 12th नंबर पेज पे, जो सीजे बाइनेंस है विच इज लाइक ओनिंग दीज कंपनीज जिसमें सीपीजे होल्डिंग लिमिटेड है, बाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड है, सिग्मा चेन एजी है, मेरिट पीक लिमिटेड है, कॉइन मार्केट कैप जो हम ऐप यूज करते हैं जहां से हमें इन्फो मिलती है वो भी कंप्लीटली 100% ओन्ड बाय सीजे बाइनेंस। अब यहाँ पे दिखाया कि बाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड जो बाइनेंस का ग्लोबल प्लेटफॉर्म है उसको होल्ड कर रही है, ठीक है ना। लेकिन जो सीपीजे होल्डिंग्स लिमिटेड है वो 100% ओन करती है बेम मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को। अब जो बेम कंपनी जो मैनेजमेंट कंपनी है उसका फिर मतलब जो सब कैटेगरी में दिखाया है बेम मैनेजमेंट यूएस होल्डिंग्स इनकॉर्पोरेशन और उसके सब मतलब उसमें दिखाया कि यहाँ पे 81% इसका दिखा दिया लगभग एंड 91% बताया है सीड 2022 सीड इन्वेस्टर्स फॉर्मर एम्प्लॉयज एंड इक्विटी अवेलेबल अंडर 2021 इक्विटी प्लान, तो इतना उसका प्रोशन है, अदरवाइज 81% तक बेम मैनेज कंपनी लिमिटेड ही इसको ओन करती है। अब बेम मैनेजमेंट यूएस होल्डिंग इनकॉर्पोरेशन को अब दिखाएगा 100% ओन करती है बेम ट्रेडिंग सर्विसेज इनकॉर्पोरेशन को दैट ओन्स बाइनेंस डॉट यूएस प्लेटफॉर्म। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्होंने ये डिपेक्ट किया है कि सीजे बाइनेंस इज द वन हुज होल्डिंग दिस प्लेटफॉर्म एक्चुअली, और ये बेम ट्रेडिंग कंपनी है काइंड ऑफ एक डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कंपनी बना दी है, ठीक है ना, जबकि पूरी तरीके से कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन एंड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन को बाईपास करना जो भी इन्होंने फॉलो किया है वो सारे सिनेरियो क्रिएट हुआ है डिस्पाइट ऑफ दैट, ये इनका आरोप है, ठीक है। अब इसमें कुछ स्टेटमेंट अब डिटेल में जब रिपोर्ट में जाओगे वहां पे कुछ स्क्रीनशॉट्स इवन एम्प्लॉय जो कुछ एम्प्लॉयज हैं उनके उनके मतलब कुछ स्टेटमेंट्स है उसको भी वहां पे मतलब इंक्लूड किया है। समरी में जब आप जहाँ पे देखोगे तो वहां पे एक लाइन भी मेंशन की गई है
दैट इज काफी रफ लैंग्वेज में यहाँ पे मेंशन कर दी। यहाँ पे आप देखोगे फेलियर टू रिस्ट्रिक्ट यूएस इन्वेस्टर्स फ्रॉम एसेसिंग बाइनेंस.कॉम। सो यहाँ पे बोला कि एक कलीग ने बोला, ये देखो ये लाइन जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ आपको स्क्रीन पे, इसमें देखोगे वी आर ऑपरेटिंग एज ए फकिंग अनलाइसेंस सिक्योरिटी एक्सचेंज इन द यूएसए ब्रो लाइक दैट। सो काफी रफ लैंग्वेज में ये भी चीज यहाँ पे मेंशन कर दी है कि इस तरीके से भी वहां पे डिपिक्ट किया गया। सो दैट्स द सिनेरियो। मतलब कहने का मतलब ये है, घुमा फिरा के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाइनेंस के यूएस प्लेटफॉर्म पे जो ट्रेडिंग होती है वो पूरी तरीके से कंट्रोल्ड है बाइनेंस के ग्लोबल प्लेटफॉर्म और जो मेन कंपनी है उसके द्वारा, एंड सीजे बाइनेंस इज द मेन कंट्रोलर। उसके अलावा दे फेल टू डू सो, के वो वहां पे बोलते ये हैं कि बाइनेंस के यूएस प्लेटफॉर्म यानी यूएस कस्टमर उस पे है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे नहीं अवेलेबल हो सकते, वहां पे ट्रेड नहीं करते, जबकि बाईपास करके उनको वहां पे अवेलेबल कराई गई ट्रेडिंग और सर्टेन अदर फैसिलिटीज। दैट्स द एक्विजिशन। इसके बाद जब आप इस रिपोर्ट को और भी डिटेल में देखोगे तो लास्ट में जाके एक पोर्शन आता है जहां पे काफी ज्यादा कंसर्न दिखेगा आपको, ठीक है। वैसे आप इसके बाकी जो जितने भी पेज हैं आप जब उसमें जाओगे तो वहां पे डिटेल में कि बीएनबी ने इतने टाइम पे ये स्टेटमेंट मतलब आया था सीजे बाइनेंस की तरफ से, बीएनबी ने इतनी तारीख को इतने टाइम पे ये ऑफर किया था, इस तरीके से काफी डिटेल्ड रिपोर्ट है, ठीक है। तो हम पूरी रिपोर्ट तो इसमें नहीं शो कर सकते। अब इसमें जो अदर कॉइन्स को टारगेट किया है, दैट इज सोलाना, कार्डानो है, मैटिक है, फाइल कॉइन है, एटम, सैंड, माना, एल्गो एंड एक्सी इन्फिनिटी है, देन COTI करके भी जो कॉइन है वो भी इसमें इंक्लूड किया है। अब इनको भी इंडिविजुअल आप देखोगे ना, यहाँ पे इंडिविजुअल देखो, जैसे सोलाना का, सोलाना का सेक्शन में क्यों इसको इस तरीके से वहां पे रिप्रेजेंट किया गया है कि ये डीम्ड टू बी सिक्योरिटी, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब जस्ट इन्होंने बोला हैंडफुल ऑफ सर्टेन अदर कॉइन्स विच कुड बी सिक्योर, मतलब विच डीम टू बी सिक्योरिटी। अब हैंडफुल ऑफ सर्टन कॉइन्स मतलब जरूरी नहीं कि जितनों का नाम आया है सिर्फ इन्हीं को टारगेट करें। बेसिकली इस रिपोर्ट का कंक्लूजन ये है कि जो सैक है वो पूरी तरीके से टारगेट करा होल क्रिप्टो इंडस्ट्री को, ठीक है। और ये सब आप ऐसा समझ लो एक तरह से तैयारी है उसकी अपना खुद का CBDC लाने के लिए और उसके लिए ग्राउंड तैयार करने के लिए। चाइना जब अपना CBDC लेके आया था तो उसने ब्लैंकेट बैन लगाया था क्रिप्टो पे, आपको अगर इसके बारे में पता हो जाए। CBDC इन द सेंस अपना जो डिजिटल जो करेंसी लेके आया था उससे पहले उसने इस तरह की टैक्टिक्स की थी। एनी कंट्री विच इज गोइंग टू लॉन्च द CBDC, आप जनरली उसके नेचर में देखोगे कि जो काउंटर पार्ट है यानी जिसके अगेंस्ट वो CBDC लेके आ रहे हैं उस पर बहुत ही हार्श उनका रवैया रहेगा, ठीक है। इस रिपोर्ट में फिर आप डिटेल में देखना चाहते हो कि सोलाना के लिए क्या मेंशन किया है, कार्डानो के लिए क्या मेंशन किया है, तो इंडिविजुअली आप देखोगे इसमें डिटेल मेंशन किया, इवन इसमें स्क्रीनशॉट्स भी लगाए। फॉर एग्जांपल लाइक मैटिक के केस में जाओगे तो वहां पे संदीप नेरवाल ने क्या बोला है एक टाइम पे, उनकी ट्वीट है उसका भी स्क्रीनशॉट लगा दिया है। ताकि मतलब यहाँ पे ये दिखाया गया बेसिकली कि ये इस तरीके से ऑफर किए गए हैं कि जैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा रिटर्न मिलेगा आपको, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म क्रिएट किया गया इन टोकन्स के लिए जो डिजिटल टोकन्स क्रिएट किए गए ताकि यहाँ पे ज्यादा सेल लोग इन्वेस्ट करें, विच इज और मतलब इन इन दैट रेफरेंस दे आर कॉलिंग इट सिक्योरिटी बिकॉज दे आर द अनरजिस्टर्ड टोकन्स। सेम गोज विद फाइल कॉइन एंड अदर कॉइन्स, मैंने आपको ऑलरेडी इसके नाम डिटेल में बता दी, आई एम नॉट गोइंग इन द डिटेल। अब यहाँ पे आया बाइनेंस का रिस्पॉन्स भी इस चीज को लेकर। बाइनेंस ने क्या रिस्पॉन्स किया है, बाइनेंस ने यह कहा है कि अभी हमारी इनसे बात हो रही थी कुछ टाइम पहले ही, हमारी इनसे बात हुई है, डायलॉग हुआ है, वहां तक चीजें ठीक थी, लेकिन इन्होंने अचानक से एकदम से इस तरह का स्टेप लिया है कि इन्होंने जो लॉसूट दायर किया है इसमें दे आर डिसहार्टन बाय दैट चॉइस एज ऑफ नाउ, बट उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो इसको पूरी तरीके से सीरियस तरीके से लड़ेंगे इस पूरे केस को, एंड दे आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज फ्रॉम अनदर मिसगाइडेड एंड मिसगाइडेड काइंड ऑफ लॉसूट जिसकी वजह से होल क्रिप्टो इंडस्ट्री को टारगेट किया गया, बेसिकली आप ऐसा समझ लो। काफी सारे बड़े इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने ऑलरेडी इसके सपोर्ट में ट्वीट कर दिया है, ठीक है, जिन्होंने सपोर्ट में ट्वीट किया है। आप चार्ल्स हॉस्किंसन का देख सकते हो, मतलब उन्होंने ऑलरेडी सपोर्ट शो किया, बेसिकली कार्डानो का नाम आया है तो मजबूरी में सपोर्ट करना पड़ेगा। ट्रोन के जो फाउंडर है जस्टिनसन, उन्होंने भी इसमें सपोर्ट अपना दिखाया, इवन ट्रोन को भी वहां पर टारगेट किया गया कि पहले कुछ एंटिटी जिनके साथ जिनके अगेंस्ट कंप्लेंट थी, एंड ट्रोन वॉज वन ऑफ देम, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कंक्लूजन ये दिखता है, इथेरियम इज टोटली मिसिंग आउट। इथेरियम बेसिकली सोलाना को बोला है कि डिफरेंस इन नेचर का है, इस तरीके से मतलब बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म क्रिएट करने की कोशिश की गई। अब सोलाना वाला सेक्शन देखोगे
तो वहां पर ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। सोलाना के केस में यहाँ पे उन्होंने क्लियरली हाईलाइट किया है द डिफरेंस इन नेचर ऑफ सोलाना, जिसकी वजह से मतलब काफी ज्यादा ये प्रॉमिस किया गया कि ये आगे चल के बहुत ज्यादा ऐसा समझ लो बहुत ज्यादा रिटर्न देने की कंडीशन में रहेगा। जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं बर्न टू प्रपोज, ये जो उसके बर्न फंक्शन है उसके बारे में यहाँ पर हाईलाइट किया गया। अब यहां तक बात है डिफरेंस इन नेचर का, व्हाई दे हैवंट हाईलाइटेड इथेरियम, इथेरियम इज आल्सो हैविंग सर्टेन काइंड ऑफ मैकेनिज्म। इथेरियम अगर देखोगे तो प्रूफ ऑफ वर्क से पूरी तरीके से शिफ्ट हो चुका है प्रूफ ऑफ स्टेक पे, बट इथेरियम का नाम मिसिंग आउट है, दैट्स इसके वजह से क्वेश्चन खड़े होते हैं इस पर ऑलरेडी, ठीक है ना, जबकि वो तो प्राइम सस्पेक्ट होना चाहिए उनका, तो उसको उन्होंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। सो बेसिकली अगर आप इस रिपोर्ट को देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि एकदम से किसी ने खुन्नस निकालने के लिए मतलब एक पूरा एकदम मैटर तैयार किया हो, वही आपको इसमें से दिखेगा। इसमें से मोस्ट लाइकली कंक्लूजन क्या होगा, इंडस्ट्री काफी ज्यादा यूनाइट हो रही है ऑलरेडी, क्रिप्टो अगर स्पेस देखोगे सब कोई सपोर्ट कर रहा है सीजे बाइनेंस को, एंड अगर आगे आउटकम देखोगे अगर वो इसका मतलब जो कोर्ट केसेस को कंटिन्यू करते, मान लो बाइनेंस यूएस के प्लेटफॉर्म के साथ कुछ दिक्कत हो जाती है, स्टिल इट इज लाइक 2% ऑफ टोटल जो मतलब आप रेवेन्यू भी कंसिडर कर सकते हो, एक एस्टिमेट लगा सकते हो उसका कंपेयर टू द ग्लोबल प्लेटफॉर्म जो उसका बाइनेंस का है। और जब भी ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा किसी कंट्री में रीजन में दबाया जाता है, बहुत ज्यादा उसको खत्म करने की कोशिश की जाती है, तो वो ऐसे रीजन में शिफ्ट आउट हो जाती है जहां पे उसके लिए लिबर्टी हो। उदाहरण के तौर पर इंडिया बहुत ज्यादा ही टारगेट किया गया क्रिप्टो को, तो आपने देखा ही है कि जितने भी मेजर क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर है दे आर सेटल्ड इन दुबई, है ना, क्यों वहां पे जाके सेटल हो गए, और इन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन काफी सपोर्टिव है स्पेशली फॉर क्रिप्टो स्पेस कंपेयर टू इंडिया। तो यही होगा, अब वहां पे अगर देखोगे यूएस में अगर ज्यादा ही इस तरीके से क्रश करेंगे द कंसेंट्रेशन एंड द टेक एंड इनोवेशन विल बी शिफ्टेड आउट टू अनदर जोन्स, बट ये थोड़ा ग्रेजुअल प्रोसेस होगा। हालांकि इसकी वजह से नेगेटिविटी रहेगी मार्केट में, लेकिन मार्केट इससे बाहर आ जाएगी फॉर श्योर। ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि मतलब बिल्कुल कंप्लीटली ही खत्म हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। उसके लिए आप टेंशन ना लें, एंड आई नो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होगी माइंड में, बहुत ज्यादा टेंशन भी होगी, क्योंकि इतने बड़े लेवल का जब सीन होता है तो डेफिनेटली जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके माइंड में काफी ज्यादा टेंशन रहती है। वेट एंड वॉच, थिंग्स विल गो फाइन, एंड बी ऑप्टिमिस्टिक। अगर इसका कंक्लूड करोगे तो ये जस्ट टारगेट किया गया क्रिप्टो इंडस्ट्री को, वो भी बहुत ही ऑफेंसिव लेवल पे, एंड लेट्स बिलीव इट जो क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री है वो काफी ज्यादा बेटर कंडीशन में इससे उभर के बाहर आ जाएगी, एंड आई एम क्वाइट श्योर ऐसा ही होगा, क्योंकि कितना भी ये ट्राई करेंगे दे कैन नॉट कंप्लीटली वाइप आउट द क्रिप्टो आउट ऑफ द स्पेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।